बात करेंगे कोल इंडिया की। मौजूदा समय में 231 पे जाके यह कामकाज कर रहा है और लगभग इसका आप न्यूनतम देखेंगे और अगर रुपए के हिसाब से देखते हैं तो -2 रुपए पे कामकाज है और -0.99% पे है। 5 दिन पहले का हम ग्राफ देखेंगे, 7.94% चढ़ाई के साथ इसने आपको रिटर्न बुक करवा के दिया है। 1 महीने पहले इसमें बड़ी लंबी खाई हमने देखा है और ये खाई लगभग हर शेयर में आया था। -2.22% के साथ गिरावट आई है। 6 महीने पहले कंपनी ने आपको 18% शानदार रिटर्न आपको कमा के दिया है। अब बात करते हैं मैक्सिमम रिटर्न की, तो देखिए मैक्सिमम रिटर्न का भी अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे -33% का नुकसान दिख रहा है। तो कंपनी की शुरुआत कहाँ से होती है ज़रा हम इस पर गौर करेंगे। 2010 5 नवंबर को कंपनी लिस्ट हुई थी 348 रुपये के साथ। आज कंपनी कहाँ पे है तो कंपनी का ग्राफ देखेंगे तो कंपनी सन 2020 से लेके 20 तो नहीं कहेंगे हम 18 से जो एक गिरावट हमने लगातार नज़र कर रहे हैं 18 से, तो वो गिरावट आते आते लगभग उसको 2020 तक आ गया। यहाँ से कंपनी फिर करेक्शन कर रही है। मतलब क्या है इसका कि कंपनी आगे तो बढ़ रही है लेकिन बहुत आहिस्ते बहुत धीमे कछुए की चाल के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है। तो इसमें निवेश करके रखना सही है या भूल है? तो जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है तो आप समझिए कि आपका तो पैसा बनेगा, आपका पैसा बनेगा, लेकिन हो सकता है आपको समय भी उतना लग जाए क्योंकि इसका ग्रोथ रेट बहुत 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 ज़्यादा धीमी है। इसको 200 से 400 बनने के लिए बहुत ज़्यादा 2 साल का वक्त से ज़्यादा लग रहा है। आप देख पाएंगे तो 2 साल से भी बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है इसको 200 से 400 बनने के लिए। आप सोचिए कि आपका इसमें कितना प्रॉफिट हो पाएगा। तो जो निवेशक नए निवेशक है वो काफ़ी सोच समझ के कोल इंडिया में आपने इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करना ख़राब बात नहीं है लेकिन इसका जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा धीमा है। आपके पैसे बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे, पर आपको समय देना पड़ेगा तब जाके।